सो भाई अपने को लग चुका है लगभग लगभग 14-15 हज़ार रुपये का झटका, बिकॉज जैसा कि इसमें मैंने आपको बताया, इसमें जो है सॉकर जो है चेंज होना है अपनी गाड़ी का। सो ये वाला जो सॉकर है ये इसमें इशू है, और उसके बाद जो मीटर है ये मीटर चेंज करवा रहे हैं, तो मीटर की कॉस्टिंग लगभग 10 हज़ार की पड़ती है, और ये जो आता है लगभग 4,500 का होता है, तो टोटल 14,500 के आसपास का खर्च है। सो अपना जो माल है वो सारा का सारा यहाँ पे आ चुका है चेंज करवाने के लिए। सो ये रहा मीटर एंड ये रहा अपना न्यू सॉकर, तो ये इसके अंदर इंस्टॉल होना है, और सच में यार मोटा खर्च है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू TFS राइट, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट। सो भाई अगेन फिर से बजाज के सर्विस सेंटर में, यहाँ का हमारा रिश्ता एक अलग बन चुका है। आज यहाँ पे क्यों आए हैं, बिकॉज अपनी गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि था पीछे से गाड़ी में कुछ खटखट का जो साउंड था वो आता था, और उसकी वजह से मुझे सजेशन दिया गया कि इसका जो है पीछे का रियर सॉकर जो है वो चेंज होगा। एंड अपने मीटर पे ना एक जगह पे निशान आ रहा था, अभी आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, मैंने फोटो शेयर कर दिया है। सो ये वाला निशान काफ़ी टाइम से था, और ये कुछ इशू रहा जिसकी वजह से यहाँ पे जो यहाँ के मैनेजर हैं उन्होंने डिस्कशन किया कंपनी के साथ में, फाइनली वो अप्रूवल मिल गया कि इसका जो मीटर है वो चेंज कर दिया जाएगा। सो आज वही दोनों काम करवाने के लिए आए हुए हैं। सो पूरा प्रोसेस दिखाएंगे आपको कि कैसे काम होता है, एंड तब तक बने रहिएगा वीडियो पे। और सो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो भी डोमिनार ऑन करते हैं, या फिर उनके साथ में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट डाउन कीजिएगा, जो भी हेल्प होगी वो मैं आपके लिए जरूर। सो ये रहा अपना नया वाला मीटर जो कि चेंज होना है, एंड इसकी जो कॉस्टिंग पड़ती है ये लगभग 10,000 रुपीज़ प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह मिला के लगभग ये 10,800 के आसपास का है ना। तो और यहाँ पे है अपना सॉकर, तो एक बार इसकी भी हम ओपनिंग करके देख लेते हैं। वो सॉकर जो अपनी बाइक में लगना है ब्रांड न्यू, एंड अभी बड़ा भारी है, मैं सुबह शाम जिम कर सकता हूँ इससे। हमारी गाड़ी का आगे का जो मत्था है वो ऊपर हो चुका है, और एक गंदी का मत्था। हाँ तो मैं चोट मत मार लेना, तो ये 10,000 रुपये का माल जा रहा है। दोबारा बंद करके ऑन करना, बढ़िया तो ये है। सही बात है, उसमें क्या करना है। कुछ लगाना पड़ेगा आपको उसमें। जीरो पे दो पे है ये, तो भी ना दो पे है, कंपनी से दो पे ही है वो, तो उसी को जीरो पे ही होता है, वो घटा नहीं सकते, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बढ़ा दो ना, दो बढ़ा दो उसको, लगाने के बाद लगाने पे पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, ऐसे में किसी कीमत पे भी नहीं बढ़ेगा। अच्छा पकड़ भी सकता 100 पे इतना कोई। Thank you.
आपने स्टार्ट किया था मीटर में भी नहीं, तो गाड़ी स्टार्ट करी हाँ आया लाइन नहीं आया कोई नहीं आया वैसे तो नहीं आता चलाने के बाद आता है गर्म होने के बाद हाँ गर्म होने में बढ़ता है हाँ उठा देना जरा उम्मीद करो उसको तो नीचे लग उल्टी बात उल्टा है अरे तो वो इतनी मेहनत क्यों करेंगे उसको नीचे रख दो ना तरीका वो करूंगा ना उठा दो गाड़ी को आप बताओ जो आसान तरीका वो करूंगा मेहनत क्यों करूंगा सिंगार ये आपकी गाड़ी नहीं ये बेचारे को भेज दिया मैंने गाँव बिरयानी खिलाओ इनको गाड़ी हो गई रेडी और ये रहा वो माल जो अभी वापस चला गया सो बेसिकली क्या हुआ था कि जो मीटर में ना यहाँ पे निशान जो आपने देखा भी होगा वो आया हुआ था सो हमने इसको वारंटी में चेंज किया है कोई चार्जेस नहीं लगे इसके थैंक्स टू स्काईलाइन बजाज एंड उसके बाद जो ये हमारा सॉकर है पीछे का सो ये भी हमारा वारंटी में चेंज हुआ है तो जो 14,000 रुपये ना वो खर्च नहीं हुए वो हमारे बच गए तो ये था एक छोटा सा बस काम जो मतलब फाइनली डन हो गया है तो अभी एक बार गाड़ी को वॉशिंग पे डाल देते हैं और उसके बाद में फिर लेके चलेंगे अपना काम हो गया थैंक यू सो मच एंड आपको वीडियो कैसी लगी अगर आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता सकता हूँ कि कैसे क्या हो सकता है और वो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग TFS राइड और फाइनली अभी जो थैंक्स टू स्काईलाइन बजाज भाई उन्होंने मेरी ये प्रॉब्लम का निवारण कर दिया सो यहाँ पे जो निशान था वो भी ख़त्म हो गया नया मीटर इंस्टॉल हो गया सस्पेंशन चेंज हो गया अभी देखना है बस एक बार चला के कि पीछे से जो आवाज़ का इशू आ रहा था वो आता है कि नहीं आता है वेल अगर आपके साथ में भी मीटर पे ये लाइन वाला इशू है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मुझे बता सकते हो मैं जो भी पॉसिबल हेल्प होगी आपकी आपकी ज़रूर करूँगा ताकि आपका भी जो काम है वो ईज़िली निकल के आ जाए
वेल इसी के साथ में थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, और आगे भी इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। तो फटाफट से चलते हैं, ठंड हो रही है, घर पहुंच के आगे का कार्यक्रम खाने पीने का सोने का किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग TFS Ride।